नमस्कार, मेरा नाम है सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर शहर का नाइक तालाब बांग्लादेश इलाका अब पूरी तरह कोविड-19 का हॉटस्पॉट बन गया। नदी का परिसर सील कर दिया गया है। महादुला में पिछले दिनों में संक्रमित होने वाले लोगों को नांदा कोराडी का एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। मनपा आयुक्त ने लोगों को चेतावनी देकर कहा, सरकारी नियमों का पालन करेंगे नहीं तो नागपुर में कोविड का विस्फोट होते देर नहीं लगेंगे। रेलवे सुरक्षा बल ने गुरुवार को पार्डी इलाके में चल रहे ई पास बनाने वाले अड्डे पर छापा मारा। आरोपी दलाल शरद भगवान बताया जा रहा है। कोविड-19 के चलते मंगलवारी जोन के मार्टिन नगर प्रभाग 11 के मानमोड़े लेआउट और जिंगाबाई टकड़ी परिसर में संक्रमित मरीज पाए गए। इसका प्रभाव अन्य इलाकों पर ना पड़े, इसीलिए लोगों ने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से इन परिसरों को सील कर दिया गया है। जून में अप्रैल से भी ज्यादा खराब होंगे वैश्विक आर्थिक हालात। प्रधानमंत्री 16-17 जून को सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर चर्चा करेंगे। 88 दिन में यह छठी वीडियो कॉन्फ्रेंस। कमलनाथ सरकार गिरने के 82 दिन बाद शिवराज पूछ रहे, सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या। 9 दिन बाद मैदान पर लौटे रोनाल्डो, पेनल्टी से चुके एसी मिलान के खिलाफ ड्रॉ के बावजूद यूवेंट्स फाइनल में। टॉप 10 इंस्टीट्यूट की सूची में एक बार फिर आईआईटी मद्रास बना देश का नंबर 1 संस्थान। आईआईटी एससी बेंगलुरु को दूसरा स्थान। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।